इंडियन आर्मी को मिली FINSAS। भारत में आतंकवादियों की स्टील कोर बुलेट्स के खतरे के बीच भारतीय सेना अपने फ्रंट लाइन जवानों के लिए अब तक की सबसे बेहतर बुलेट प्रूफ जैकेट का इंतजाम करने जा रही है। इसके लिए रक्षा मंत्रालय ने दो तरह के टेंडर जारी किए हैं। इसके जरिए मेक इन इंडिया के तहत 62,500 जैकेट्स बनाई जाएंगी। 75वें स्वतंत्रता दिवस के अगले ही दिन रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने भारतीय सेना को FINSAS निपुण माइंस और असॉल्ट लैंडिंग क्राफ्ट जैसे आधुनिक हथियार और इक्विपमेंट सौंपे हैं। यह सभी भारत में ही बने हैं। दरअसल पिछले कुछ समय से कश्मीर घाटी में आतंकवादी भारतीय सेना के साथ मुठभेड़ में अमेरिकी आर्मर पियर्सिंग बुलेट्स का इस्तेमाल कर रहे हैं। यह बुलेट्स सैनिकों की बुलेट प्रूफ जैकेट को फार कर निकल गई थी। आखिर सवाल यह उठता है कि आतंकवादियों के पास APBS जैसी हथियारें मिली तो कैसे? तो बता दें कि अफगानिस्तान से जाते हुए अमेरिकी सेना ने बड़ी संख्या में आर्मर पियर्सिंग बुलेट्स, M16 असॉल्ट राइफलें और M4 कबाइन वहीं छोड़ दिए। इन्हें तालिबान ने अपने कब्जे में ले लिया। बाद में यही बुलेट्स आतंकवादियों को सप्लाई कर दी गई। भारतीय सेना से जुड़े सूत्रों ने बताया कि नॉर्मल रूट से 47,627 जैकेट्स मंगाए गए हैं, जबकि इमरजेंसी प्रोक्योरमेंट प्रोसेस के जरिए 15,000 जैकेट मंगाई गई है। इन्हें अगले 3 से 4 महीने में फाइनल कर दिया जाएगा। बाकी 47,627 जैकेटों की खरीद कई चरणों में होगी। यह प्रक्रिया 18 से 24 महीनों में पूरी होने की उम्मीद है। सेना ने एक लिस्ट बनाई है जिसमें बताया गया है कि बुलेट प्रूफ जैकेट किन विशेषताओं से लैस होनी चाहिए। सेना के मुताबिक यह जैकेट सैनिक को 7.62 मिमी आर्मर पियर्सिंग राइफल बुलेट्स और 10 मीटर दूर से दागी गई स्टील कोर बुलेट से बचाने में सक्षम होनी चाहिए। बात करें जैकेट की, तो जैकेट लेवल 4 का होना चाहिए। इन्हें स्टील कोर बुलेट के खिलाफ असरदार माना जाएगा। सेना के पास जो बुलेट जैकेट फिलहाल है उनके मुकाबले लेवल 4 जैकेट एडवांस होंगे। इस पर किसी बुलेट का असर नहीं होता है। इन्हें सबसे पहले कश्मीर में आतंकवादी ऑपरेशन में तैनात किए गए सैनिकों को दिया जाएगा। इसमें सबसे खास बात जानने की यह है कि सैनिकों को देने से पहले यह सुनिश्चित किया जाएगा कि सभी जैकेट केवल भारत में बनाए गए हों और इन्हें बनाने में कोई भी सामान किसी विरोधी देश से नहीं लिया गया हो। बता दें कि बॉर्डर पर तैनात सैनिक अब फाइटिंग मशीन में बदलने वाले हैं। सर पर बैलिस्टिक हेलमेट, आंखों में बैलिस्टिक गॉगल्स, बॉडी पर बुलेट जैकेट, कोहनी पर एल्बो पैड, घुटनों पर नी पैड्स, कानों में हेडसेट, हाथों में AK-203 ऑटोमेटिक राइफल। अगर विस्तार में इस जैकेट की विशेषताओं के बारे में बात करें तो शुरुआत करते हैं सर से। तो बैलिस्टिक हेलमेट या AK-47 की बुलेट से सैनिकों की रक्षा कर सकता है। इसमें नाइट विजन डिवाइस फिट किया जा सकता है। हैंड्स फ्री या बेहतर कम्युनिकेशन के लिए इस्तेमाल किया जाएगा। AK-200 राइफल AK-47 का मॉडर्न रूप है। ये इसकी रेंज 300 मीटर है। मैगजीन में 300 गोली दागी जा सकती है। बुलेट प्रूफ जैकेट AK-47 से भी सैनिकों को बचाया जा सकता है। राइफल में होलीग्राफिक विजन, इसमें 22 मीटर की रेंज में काम करने वाला एमिंग डिवाइस है। इसके जरिए शूटिंग में दोनों आंखों का इस्तेमाल किया जा सकता है। नी पैड्स, घुटनों की पूर्ण सुरक्षा के लिए। इन सब के बीच एक और बात जाननी बहुत जरूरी है कि 19 नवंबर को हमारे गृह मंत्री अमित शाह और विदेश मंत्री एस जयशंकर ने नो मनी फॉर टेरर मिनिस्ट्रियल कॉन्फ्रेंस ऑन काउंटर टेररिज्म फाइनेंसिंग को अटेंड किया दिल्ली में, और उस कॉन्क्लेव में टेररिज्म को लेकर कई सख्त बयान जारी किए गए।
और सबसे जरूरी बात इसमें यह है कि चाइना और पाकिस्तान ने इसमें भाग नहीं लिया। ऐसे ही और वीडियो के लिए देखते रहिए इंडिया न्यूज़।